आप लोग देख सकते हो, आप लोग को जस्ट सामने तेंदुआ है और कितना डेंजरस लग रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो लायन लग रहा है ना, बहुत डेंजरस। ओके सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज स्पेशल डे है, 2023 का पहला डे है। तो सबसे पहले आप लोगों को इस नए साल के शुभ अवसर पर बहुत ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। तो अभी मैं प्रेजेंट टाइम में गोरखपुर जू में आया हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पीछे बैकग्राउंड में शहीद अशफाकउल्लाह खान प्राणी उद्यान। तो चलिए हम लोग चलते हैं अंदर और अंदर का व्यू आप लोगों को दिखाते हैं और साथ में मिलकर एंजॉय करते हैं। तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल जरूर कर दीजिएगा। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स द स्टार्टेड गाइस। आप लोगों को मैं एक बार कैमरा घुमाकर दिखा रहा हूँ, गोरखपुर जू का ये व्यू देख सकते हैं आप लोग, शहीद अशफाकउल्लाह खान प्राणी उद्यान गोरखपुर। और यहाँ पर आप लोग जस्ट सामने देख सकते हो टिकट काउंटर है। ओके, पुरुष पुरुष इधर महिला है। तो हम लोग टिकट ले चुके हैं, देख सकते हैं यहाँ पर 5 टिकट है। एक टिकट 50 रुपये का पड़ा है, 250 रुपये का एडल्ट लोग का है, बच्चों का 25 रुपये। ओके, तो चलिए हम लोग चलते हैं अंदर और अंदर का व्यू आप लोगों को दिखाते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम लोग टिकट देंगे और उसके बाद हम लोग चलते हैं। ओके, 5 लोग हैं। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो पूरा चिड़ियाघर है गोरखपुर जू, उसका मैप बनाया गया है ऐसा दिखने में। ऊपर से अगर हम लोग ड्रोन शॉट लेंगे तो ऐसा लगेगा देखने में, आप लोग देख सकते हो बहुत ही प्यारा। ओके, चलिए हम लोग अंदर चलते हैं और आप लोग को दिखाते हैं। ओके, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 7 थिएटर। ओके, आइए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो गौतम बुद्ध का स्टैचू बना हुआ है और यह इधर है 7 थिएटर। चलिए मैं आप लोगों को पास से दिखाता हूँ। ओके, 7 थिएटर का यहाँ टिकट काउंटर आप लोग देख सकते हो। ओके, और व्यस्क रुपये 150 प्रति सौ और व्यस्क रुपये 100 प्रति सौ, 2 कलर का टिकट है यहाँ पर। ओके, चलिए मैं आप लोग को पहले चिड़ियाघर का इंजॉय कराते हैं। ओके, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भारतीय गैंडा है और आप लोग जस्ट सामने देख सकते हो 2 गैंडा है। ओके, और फिलहाल में वो अभी अपने बाड़े पर हैं सब और वहाँ पर अब भोजन कर रहे हैं। थोड़ा सा हम वेट करते हैं, देखते हैं थोड़ा पास में आते हैं सब के लिए, थोड़ा सा पास में आएंगे तो मैं थोड़ा सा और आप लोगों को क्लियरिटी में और अच्छे से दिखा पाऊँगा। ओके, तो थोड़ा सा हम वेट करते हैं। और अभी तक आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल जरूर से कर दीजिएगा। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हो मेरे भाई, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम चलते हैं आगे और आगे का व्यू आप लोगों को दिखाते हैं। ओके, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो तेंदुआ है। ओके, और यहाँ पर लिखा हुआ है वन जीवों को ना खिलाएं ना ही चिढ़ाएं। और जस्ट सामने आप लोग देख सकते हो तेंदुआ बैठा हुआ है बहुत ही आराम से और देखने में काफ़ी ज़्यादा डेंजरस लग रहा है, आप लोग स्वयं देख सकते हो। ओके, और थोड़ा सा हम वेट करते हैं, देखते पास आता है तो अच्छा है, नहीं तो आगे चलेंगे। फिलहाल कितना टाइम हम वेट करेंगे। ओके, तो आप लोग देख सकते हो। ओके गाइस, और वीडियो को आप लोग एंजॉय करते रहिए। अभी तक हमने वेट किया, अभी तक वहीं पर बैठा हुआ है, आप लोग देख सकते हो, और काफ़ी डेंजरस लग रहा है। जस्ट आप लोग सामने से थोड़ा सा देख लीजिए। चलिए हम आगे चलते हैं और आगे का व्यू आप लोगों को दिखाते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो वाइट टाइगर और काफ़ी दूरी पर है, हमने कैमरा अपना जूम किया हुआ है। और यहाँ पर काफ़ी पब्लिक आप लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा क्राउड है वाइट टाइगर को देखने के लिए, और काफ़ी ज़्यादा दूरी पे है आप लोग देख सकते हो। हम लोग काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं, थोड़ा सा पास में आए तो हम आप लोगों को अच्छे से दिखा पाऊँगा, बट काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, पास में आ नहीं रहा है। तो चलिए हम आगे चलते हैं और देखते हैं आगे कौन सा जानवर हम लोग को देखने को मिलता है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एशियाई बब्बर शेर। ओके, यहाँ पर भी लिखा है वन जीवों को ना खिलाएं और ना ही पिलाएं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो बब्बर शेर और काफ़ी डरावना लग रहा है, आप लोग देख सकते हो काफ़ी डेंजरस भाई साहब, देख सकते हैं आप लोग। ओके, बब्बर शेर, और थोड़ा सा वेट करते, थोड़ा सा पास में आ जाता तो बहुत मज़ा आता, काफ़ी क्लियरिटी में वीडियो आ जाता और आप लोग भी बहुत अच्छे से देख पाते हैं। ओके, उस साइड में जो वाइट टाइगर थे उस साइड में है, उसी को यह देखकर थोड़ा सा आश्चर्यचकित हो रहा है,
थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, तो आप लोग देख सकते हो। सोच रहा उन लोगों के पास जाने के लिए, बट जा नहीं पाएगा। ओके, तो आप लोग देखिए और वीडियो को इंजॉय करते रहिए। ओके गाइस, मैं आप लोगों को ए टू जेड दिखाने का प्रयास करूंगा। जितना भी गोरखपुर जू में जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी दिखेंगे, मैं पूरा दिखाने का प्रयास करूंगा। और आप लोग देखते रहिए और इंजॉय करते रहिए। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो क्या कर रहे हैं मेरे भाई, एक ही चैनल है, आप ही का चैनल है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके, और यहाँ पर आप लोग इसका दहाड़ थोड़ा सा सुनिएगा। ओके, तो आप लोग देख सकते हो थोड़ा सा पास में आ रहा है। ओके, नीचे जाए बैठी, तो आप लोग देख सकते हो गाइस, और इसका दहाड़ आप लोग सुन सकते हो। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं और आगे का व्यू आप लोगों को दिखाते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो गिद्ध जो पक्षी है वो है सब। और आगे चलते हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एमू है, एमू एमू वहाँ पर है, आप लोग देख सकते हो। थोड़ा सा कैमरा को हम जूम करते हैं आप लोग को दिखाने के लिए। ओके, तो देख सकते हो आप लोग एमू। ओके, तो चलिए अब हम आगे चलते हैं और आगे का जानवर आप लोगों को दिखाते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भालू है, और वहाँ पर जस्ट सामने आप लोग देख सकते हो बैठा हुआ है बहुत ही आराम से। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कौन से जानवर हम लोग को देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हिरन, और बहुत ही प्यारा लग रहा है देखने में, आप लोग देखिए। चलिए आगे और दिखाते हैं हम आप लोगों को हिरन। यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी दूरी पर है सब हिरन। थोड़ा सा हम कैमरा को जूम किए हैं, कैमरा थोड़ा सा फट सकता है, उसके लिए सॉरी। ओके, और चलिए हम आगे चलते हैं और आगे का व्यू आप लोगों को दिखाते हैं। ओके गाइस, और ये जो है ये गोरखपुर जू में है, और यहाँ पर लोग सेल्फी वेल्फी ले रहे हैं। देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लोकेशन है, यहाँ पर बैठने वाला बना हुआ है। जब धूप का टाइम मतलब ज़्यादा धूप रहता है तो यहाँ पर आते हैं लोग, बैठते हैं और थोड़ा आराम करते हैं। और देख सकते हो यहाँ पर गौतम भगवान का स्टैचू बनाया गया है, और काफ़ी प्यारा लग रहा है, फाउंटेन टाइप का है, काफ़ी प्यारा देखने में लग रहा है। ओके, और यहाँ पर लोग फोटो को बहुत अच्छे से क्लिक करा रहे हैं। तो चलिए आगे चलते हैं और आगे का व्यू आप लोगों को दिखाते हैं, तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू। और आप लोग देख सकते हो घड़ियाल, चलिए मैं आप लोग को पास से दिखाता हूँ। और देखने के लिए देख सकते हैं कितना ज़्यादा यहाँ पर क्राउड है, भीड़ है। ओके, वहाँ पर आप लोग देख सकते हो घड़ियाल। ओके, और एक यहाँ पर है, चलिए आगे चलते हैं। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मगरमच्छ है, यहाँ पर भी काफी ज्यादा क्राउड है देखने के लिए। चलिए मैं आप लोग को पास से दिखाता हूँ। तो आप लोग देख सकते हो वहाँ पर मगरमच्छ, और एक इधर है। ओके, यहाँ पर चलिए आगे चलते हैं और दिखाते हैं। तो चलिए चलते हैं आगे और आगे आप लोगों को दिखाते हैं। ओके, प्लास्टिक, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जस्ट सामने सांप घर है। ओके, तो चलिए हम लोग भी एंट्री करते हैं। और भाई साहब यहाँ पर कुछ ज्यादा क्राउड लग रहा है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भारतीय अजगर, आप लोग जस्ट सामने देख सकते हो भारतीय सांप। सभी लोग देखने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, तो आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। काफी जो यहाँ पर देख सकते हो सांप है, काफी छोटा है, दिखा रहा हूँ। चलिए आगे चलते हैं और आगे का भी आप लोगों को दिखा रहे हैं। और ये जो चिड़ियाघर है अभी काफी यहाँ पर जानवर नहीं आए हुए, यहाँ पर भी देख सकते हैं भारतीय अजगर है, वहाँ जस्ट सामने आप लोग देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं और आगे का भी आप लोगों को दिखाते हैं, तो आप खुद देख सकते हो। तो यही था सांप घर, चलिए चलते हैं बाहर, और बाहर आगे चलते हैं और आगे का व्यू आप लोगों को दिखाते हैं। ओके, आप लोग देख सकते हैं वाल्किन एवरी है, तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ओके, तो आप लोग देख सकते हो पक्षी। ओके, और काफी बड़े बड़े हैं सब, आप लोग देखिए और एंजॉय करते रहिए। ओके गाइस, आप लोग देख सकते हो जितने भी पक्षी हैं यहाँ पर भोजन कर रहे हैं, और भोजन जो मच्छी हैं मच्छियों को निगल रहे हैं सब। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को ऑल, और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।